मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुभाष बोहत ने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने पर मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही है। विदिशा जिले के नगर पठारी में ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुभाष बोहत ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने पर धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कांग्रेस कमेटी ने की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हुई एफआईआर को सरकार की नाकामी बताया और जिस तरह से इस महामारी में लोगों को इंजेक्शन, ऑक्सीजन एवं अस्पतालों में बेड के लिए भटकना पड़ रहा है, यह सरकार की विफलता का परिणाम है। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। जैसे अभी अभी मुझे यहाँ बात हुई थी हाजी साहब से, नवीद जाविन साहब से, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि इंडियन वारंट, ये तो इंटरनेशनल लोग कह रहे हैं, विदेश के राष्ट्र कह रहे हैं, बाहर से लोग कह रहे हैं कि अब चाइना का कोरोना नहीं रहा, अब ये भारत का कोरोना हो गया है। इस बात में कमलनाथ जी ने ये कहा था कि ये भारत में कोरोना है, लेकिन इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और उसके खिलाफ में उनके खिलाफ में एफआईआर की गई है दोषपूर्ण तरीके से। कमलनाथ जी विदेशी आदमी तो है नहीं है, दोषारोपण नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं उस चीज़ के लिए कि भाई विदेश ये कह रहा है हमारे विषय में, हमें इसके विषय में और आगे बढ़कर अच्छा काम करना है कोरोना के विषय में। लेकिन राजनीति में जो चीज़ चल रही है, जब उनकी सरकार गरादी बनी बनाई, तो वो इस तरीके की एफआईआर और इल्जाम लगाना बीजेपी के लाज नई बात नहीं है। ज्ञापन दिया है हमारे नेता कमलनाथ जी के खिलाफ, जो झूठी एफआईआर शिवराज सिंह चौहान द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा कराई गई है, ये अत्यंत निंदनीय है। जबकि एफआईआर शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ होनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश में लाखों लोग कोरोना के कारण मरे हैं, इसका आंकड़ा शमशान घाटों से और कब्रिस्तानों से लिया जा सकता है, जो स्पष्ट है। इसके बाद भी जो लाखों लोग मरे हैं, उन्हें केवल हजारों में बता रहे हैं, इस बात को कमलनाथ जी ने उठाया था। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, इस बात को उठाया था। इसके कारण शिवराज सिंह चौहान ने आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो पूरी तरह निंदनीय है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आदरणीय कमलनाथ जी के साथ खड़ा है, हर स्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा और आने वाले समय में घर घर जाकर हम कोरोना से मरने वाले समस्याओं को जनता को बताने का काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।